नमस्कार, मैं हूं अमित सिन्हा। मैं ICICI फाउंडेशन में ट्रेनर हूं। मैं आज चर्चा करूंगा इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस में वाटर प्यूरिफायर के वायरिंग डायग्राम के संदर्भ में। आज का हमारा उद्देश्य है, हम समझेंगे वाटर प्यूरिफायर के वायरिंग डायग्राम को। वाटर प्यूरिफायर के वायरिंग डायग्राम को समझने से पहले हम वाटर फ्लो डायग्राम को एक बार देखेंगे। ये वाटर फ्लो डायग्राम दर्शाता है कि वाटर प्यूरिफायर के अंदर पानी किस किस सेगमेंट से होते हुए टैंक में प्यूरिफायर होकर जमा होती है। तो यहाँ पर मुख्य अंश आपको ये देखना है कि कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पार्ट हैं। उन्हीं इलेक्ट्रिकल पार्ट का हम लोग आगे चल के वायरिंग में यूज करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं लो प्रेशर स्विच है, सोलेनाइड वाल्व है, बूस्टर पंप है। यहाँ आप देखेंगे यूवी लैम्प है और यहाँ फ्लोट वाल्व स्विच है। यह कुछ पार्ट हैं जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है। बाकी जो भी आपको दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में, वह नॉन इलेक्ट्रिकल पार्ट है, जैसे प्री फिल्टर, सेडिमेंट फिल्टर, प्री कार्बन फिल्टर, आरओ मेम्ब्रेन्स, टेस्ट इन्हांसर, पोस्ट कार्बन फिल्टर, यूएफ कार्टिज और टैंक। इन सभी के कार्य के बारे में हम लोग पहले भी वीडियो में देख चुके हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कैसे वायरिंग की जाती है। यह एक वायरिंग डायग्राम है, बहुत ही सिंपल वायरिंग डायग्राम होता है वाटर प्यूरिफायर का। एसी सप्लाई से 230 वोल्ट एसी सप्लाई से सबसे पहले लाइन लेकर फ्लोट वाल्व स्विच में दिया जाता है। फिर इसे एक स्विच की तरह इस्तेमाल किया जाता है और यहां से स्विच से एसी सप्लाई निकलकर और न्यूट्रल डायरेक्ट आकर एक जंक्शन पे रुकता है। यहां से एसी सप्लाई को दो हिस्सों में क्लासिफाई की जाती है। एक यहां देखिए आप येलो वाला साइड जो कलर किया गया है और यहां एक प्लेन वाले साइड में। यहां दो SMPS लगाए गए हैं। SMPS स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, बेहतर DC पावर सप्लाई देने के लिए प्रयोग में लाया गया है। यहां जो SMPS आप देख रहे हैं, इससे आउटपुट के रूप में 12 वोल्ट DC आएगा। और यहाँ जो आप SMPS देख पा रहे हैं, यह आउटपुट में 24 और 48 वोल्ट DC आउटपुट आएगा। लेकिन इन दोनों SMPS में इनपुट में AC सप्लाई आएगा, तो SMPS AC इनपुट सप्लाई लेगा और DC आउटपुट सप्लाई देगा। यहाँ पर AC जंक्शन में आने के बाद इस SMPS ने AC को 24 और 48 वोल्ट DC सप्लाई में क्लासिफाई कर दिया। यह 24 और 48 वोल्ट डिपेंड करता है कि आपके बूस्टर पंप को कितना वोल्टेज चाहिए, इसलिए मैंने फिक्स नहीं दिखाया है, आपको वेरिएबल दिखाया है। तो बूस्टर पंप मान लीजिए कि 48 वोल्ट का है, तो यहाँ SMPS मैंने जो यूज करूँगा वह 48 वोल्ट का होगा। तो DC आउटपुट से यहाँ कनेक्टेड है, प्लस माइनस से बूस्टर पंप, यह DC ऑपरेटेड है और यहाँ सोलेनाइड वाल्व को भी 48 वोल्ट मिलेगा जो कि DC ऑपरेटेड है। सेम टाइम पर यहाँ UV लैंप को भी DC आउटपुट मिलेगा, लेकिन यह केवल 12 वोल्ट से चलेगा। UV लैंप में अल्ट्रावायलेट लैंप होता है यूज, जो कि एक ट्यूबलाइट के तरह होता है। ट्यूबलाइट में भी चार टर्मिनल होते हैं, दो इस साइड और दो यहाँ, लेफ्ट और राइट। तो दोनों साइड एक प्लस और एक माइनस DC दिया जाता है। इस तरह से केवल फ्लोट वाल्व स्विच आपका AC ऑपरेटेड है, अदरवाइज सोलेनाइड वाल्व, बूस्टर पंप और UV लैंप, ये तीनों DC ऑपरेटेड है। और इन तीनों को DC देने के लिए हम लोग SMPS का प्रयोग किए हैं। तो आज के वीडियो में और PPT में हम लोग देख पाए किस तरह से वाटर प्यूरिफायर का वायरिंग होता है और कैसे उनको हम लोग AC और DC सप्लाई देते हैं। तो आप इसे बेहतर समराइज करते रहिए, देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ताकि आप बेहतर टेक्नीशियन बन पाएं। आपके बेहतर भविष्य के लिए ICICI फाउंडेशन की ओर से शुभकामना। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।